बैलगाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसे बैलों से खींचा जाता है। आज भले ही एक से एक बेहतरीन तथा तेज चाल वाली गाड़ियां बनाई गई हों, लेकिन बैलगाड़ी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आधुनिकता की इस दौड़ में हम मुंशी प्रेमचंद के हीरा मोती की जोड़ी के साथ प्राचीन भारतीय परिवहन व्यवस्था की रीढ़ रही बैलगाड़ी को भी खोते जा रहे हैं। बचपन में बैलगाड़ी में चढ़ना और खेतों तक जाना, उससे जो खुशी और उत्साह मिलती थी, शायद ही आज के आधुनिक वाहन दे पाए। बैलगाड़ी का उपयोग किसान अपने खेतों से फसलों को घरों या खलिहानों तक ले जाने के लिए करते रहे हैं, लेकिन किसान अब ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे उनका काफ़ी समय बच जाता है। अब बैलगाड़ियाँ केवल छोटे किसानों के पास ही है, क्योंकि वे खेती के बढ़ती लागतों का वहन करने में असमर्थ हैं। हरिश्चंद्र महतो एक युवा और छोटे किसान हैं। वे अब भी खेतों से अपने धान के फसलों को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों बाद शायद बैलगाड़ी से उनका रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि युवा पीढ़ी बैलगाड़ी बनाने की कला से दूर होते जा रहे हैं। आज जो भी मनुष्य 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वे जानते हैं कि बैलगाड़ी हाँकना और घोड़े की लगाम थामने में वही अंतर था जो आज कार या बस को चलाने में है। चढ़ाई, ढलान या मोड़ पर महज बागडोर से ही नहीं, बल्कि संवाद से भी बैलों को पथ प्रदर्शन किया जाता था।